तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर हैं और तुम्हारे ख्यालात उस मुकद्दर की हकीकत है। तुम जब जब अल्लाह के रूबरू दुआ के लिए हाथ उठाते हो, तब तब अल्लाह तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी रजा के मुताबिक बदल देता है। और सच यही है कि जिंदगी में तुम्हें वही मिलता है जिसके लिए तुम कोशिश करते हो, और तुम वही पाते हो जिस पर तुम सब्र करते हो। क्योंकि अल्लाह उस झोली को कभी खाली नहीं रखता जो सिर्फ उसके सामने फैलाई जाती है। बस मसला यह है कि तुम जरा से इंतज़ार करते हो और थक जाते हो, फिर खुद से ही गुमा कर बैठते हो कि दुआएं कबूल नहीं होती, या बहुत देर हो गई है और अब कुछ बदल नहीं सकता। हालांकि वो रब तो अपने कामों में देर सवेर होने ही नहीं देता। जो तुम्हें देरी लग रही होती है वो दरअसल उसकी हिकमत होती है, और जो भी तुम्हें मिलता है अपने और सही वक्त पर ही मिलता है। तो फिर डर के इन वसवसों को कभी जीतने मत देना, ज़रा सी ताखीर पर मायूस मत हो जाना, हालात कितने ही क्यों ना मुश्किल हो जाएं। तुम दुआ करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि उसका एक कुन तुम्हारा सदियों का काम लम्हों में कर सकता है। और जो दुआ का ख्याल तुम्हारे दिल में ला सकता है, वो उस ख्याल को तुम्हारा मुकद्दर बनाने पे भी कादिर है। दुआ की तौफीक ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है, जिसे कोई रद्द नहीं कर सकता, तुम्हारा नसीब भी नहीं। अल्लाह से मदद मांगें, क्योंकि उसके सिवा कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। लोगों के सामने हर वक्त रोने से और लोगों से हमेशा अपने गमों का शिकवा करने से आपके गमों में कमी नहीं आएगी, क्योंकि लोग आपको सिर्फ सुन सकते हैं, जबकि अल्लाह आपको ना सिर्फ सुनेगा बल्कि आपको आपकी परेशानियों का हल भी निकाल के देगा। अभी भले आपको लग रहा हो कि कुछ नहीं बदलेगा, और यही अल्लाह के रहम की सबसे हैरान कुन बात है कि आखिर में अल्लाह सब बदल देता है और आपको उस दलदल से निकाल देता है जो आपको अपने अंदर धंसाई जा रही होती है। तो फिर दुआ करना कभी मत छोड़ें, क्योंकि आखिर में अल्लाह या तो आपको वो चीज़ अता कर देता है जो आपको चाहिए होती है, या फिर अल्लाह आपको इतना सब्र दे देता है कि आप उसके ना मिलने पर मुतमईन रह सकें। यकीन रखें, आखिर में सब ठीक हो जाता है। अल्लाह बेमकसद तो नहीं दुआ के लिए आपकी बंद मुट्ठी को खोलकर मांगना सिखाता। अल्लाह अपनी मर्जी के बगैर तो कुछ भी आपकी रजा का हिस्सा नहीं बनाता। कुछ तो बदलना है अल्लाह ने जो वो तलब नहीं बदल रहा। कुछ तो मुमकिन होना है जो ये दिल बार बार नामुमकिन मांग रहा है। गुंजाइश है अब भी मौजज़ों की, तो ही तो दुआ लबों पे लाई गई है। तवक्कुल रखें, अल्लाह की चाह है तो ही तो वो आपकी भी चाह बनाई गई है। अगर अल्लाह कुछ महरूमियों का हमारी ज़ात का हिस्सा बनाता है तो बहुत सी रहमतों से भी हमें नवाजता है। अगर वो कोई दास्तान अधूरी छोड़ता है तो बहुत सी किस्सों को उनके पुरसकून इख्तिताम तक भी ले आता है। ज़िंदगी इसी का नाम है, कुछ मिल गया और किसी को खो दिया। जो सब्र नहीं करते वो हमेशा बेचैनी में मुबतला रहते हैं, और जो सब्र कर लेते हैं अल्लाह उन्हें अपनी चाहत में सुकून दे देता है। तो फिर क्यों जुल्म कर रहे हो खुद पर? उसकी चाहत को अव्वल रखो तो वो तुम्हारा हर इख्तिताम पुरसकून बना देगा। तुम वाकिफ नहीं शायद, तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है। मौजज़े तब होते हैं जब तुम जब भी दुआ मांगना नहीं छोड़ते, जब दुनिया तुमसे कह रही होती है कि ये तुम्हारे लिए मुमकिन ही नहीं। तुम्हारी हर वो दुआ जो तुमने पूरी शिद्दत से मांगी है वो अल्लाह के पास बहुत संभाल के रखी हुई है। वो तब तुम्हें नवाजेगा जब सही वक्त होगा, जब उसकी मसलियतों के तहत तुम नवाजे जाओगे। और बेशक तुम्हारी अर्श तक गई कोई सदा भी खाली नहीं जाएगी, एक एक पुकार का जवाब वो रब ज़रूर देता है। यकीन जानो कि ये मुश्किलात महज चंद घड़ियों की हैं, बहुत जल्द अल्लाह तुम्हें वो अता फरमाएगा जो तुम्हारे हक में बेहतर है और जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। और बेशक वो रब हमारी ज़रूरतों से पूरी तरह वाकिफ़ है। अगर अल्लाह को छोड़ दोगे
तो कोई चीज हाथ नहीं आएगी। जहां इतना सब्र किया है वहां थोड़ा और सही, फिर देखो जो अब तक तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं था वो भी तुम तक पहुंचा दिया जाएगा। गम न करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। एक हार पे उस फतह को भूल गए हो जिससे अल्लाह ने तुम्हें हमकिनार किया है। उसकी रहमतों को याद करो और जहन नशीन कर लो कि तुम्हारा रब हर शय पर कामिल है। किस्मत तो अल्लाह ने लिखी है, फिर गलत तो हो ही नहीं सकता ना। हमें तो रब पर यकीन रखना है, किस्मत को कभी बुरा नहीं कहना। देखना तुम्हारा ये यकीन बहुत जल्द खुशखबरी लाएगा, अल्लाह तुम्हारी हर दुआ कबूल कर लेगा। ज़िंदगी के मकासद में अवालीन मकसद अल्लाह ताला की बनाई गई हदूद में रहकर खुशियों की तलाश होनी चाहिए। कुछ शक नहीं कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती पाकीज़गी में है। तुम्हारे आंसू जो तुम्हारी रूह में उतरते हैं पर किसी को दिखाई नहीं देते, वो अल्लाह पाक देखता है। वो तुम्हारी तकलीफ़ से बेखबर नहीं है, तुम नहीं जानते, लेकिन वो तुम्हारी हिफाजत किए हुए है। हर तूफ़ान बर्बादी लेकर नहीं आता, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए तूफ़ान हार नहीं बल्कि जीत लाया था, वैसे ही तुम्हारी आजमाइश तुम्हारी जीत बन जाएगी। आगाज़ में चोट है तो इख्तिताम में शिफा बन जाएगी। वो तुम्हें ऐसे नवाजेगा कि नमाजों में तुम्हारे गिरने वाले आंसू अल्लाह पाक की रहमत पर हैरान रह जाएंगे। वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने और रुकावट को ही वसीला बनाने पर कादिर है। तुम उस पर मुकम्मल यकीन रख कर तो देखो। हमेशा दुआ मांगते रहा करें, क्योंकि ये वो वाहिद अमल है जो आपको किसी भी हाल में अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होने देता। बहुत जल्द तुम्हारी झोली भरने वाली है, तुम्हें सुकून दे दिया जाने वाला है, बस बहुत जल्द कुन फरमाने वाला है। जब इंसान को सब्र आ जाता है ना, तो चीज़ें आसान होती चली जाती हैं, फिर सब्र करना मुश्किल नहीं लगता। फिर रास्ते कितने ही मुखालिफ क्यों ना हो जाएं, दिल में एक सुकून और इत्मीनान होता है कि बेशक मेरा अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह टूटी हुई चीज़ों को बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल करता है। टूटे हुए दिल, टूटे हुए बादल बारिश बरसाते हैं, टूटी हुई मिट्टी खेतियों के साथ कायम होती है, टूटे हुए फसल की पैदावार के बीज, टूटे हुए बीज नए पौधों को ज़िंदगी देते हैं। लिहाजा जब आपको लगता है कि आप टूट चुके हों, तो यकीन कीजिए खुदा आपको किसी बड़ी चीज़ के लिए इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। वो चाहे तो तुम्हारा दिल भी बदल सकता है। क्या उसके लिए मुश्किल है तुम्हारे दिल को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बदलना? लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो यकीनन वो राज़ी है तुम्हारी चाहत पर। बस थोड़ा सब्र करो और दुआ जारी रखो। क्या होगा, कैसे होगा, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम बस दुआ, सब्र और यकीन रखना है। जब उसने सब कुछ छीन लिया तो मैं कहा करता था कि मैं ही क्यों, और मुझे लगता था कि वो इस बात का जवाब मुझे ज़िंदगी भर नहीं देगा, और मैं यूं ही सारी ज़िंदगी इस सवाल के पीछे भागते भागते थक जाऊंगा। मैं तो भूल ही गया था कि सवाल ही तो उसका जवाब होता है। फिर जब उसने हर शय से नवाज दिया तो मुझे हैरानगी होने लगी कि मैं तो इस काबिल नहीं था। फिर मैंने सवाल किया, मैं ही क्यों। पता है उसने मुझे मेरे पहले सवाल का जवाब दे दिया ढेरों नेमतें अता करके, मगर उसने मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सब नेमतें मेरे लिए ही क्यों। अब मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए तमाम उम्र सजदे में पड़ा रहूँगा। शुक्र के सजदे, कुछ सवालों के जवाब ना देकर वो कितना बेहतर करता है।